सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का रिव्यू होने वाला मोस्ट अवेटेड रिव्यू मेरे चैनल पे, ये है पोलो वोल्सवैगन की हाईलाइन, जो कि टॉप एंड वेरिएंट आता है इसमें। क्यों मैंने ये कार चुनी, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबलिस्ट कार होती है, जो आप टॉप स्पीड में इसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो भी, एंड मोस्ट सेफेस्ट कार में से। इसकी कुछ USPs बताऊँगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्पीड टेस्ट आप लोगों ने अब देखने वाले हो जस्ट अभी, करते बाद इसके स्टार्टिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी की से। इसकी की में आपको तीन फंक्शन मिलेंगे एंड फ्लिप की इसमें ऑप्शन है, बूट होल्ड, इसको बूट ओपन करने के लिए। फ्रंट में वोल्सवैगन की जो स्टैंडर्ड ग्रिल्स आती हैं वो आपको फ्रंट में प्रोवाइड की जाती हैं। नीचे आपके कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स हैं, जो कि इस सेगमेंट में फर्स्ट इन कार है। एंड ऊपर बात करें तो इसकी जो हेडलाइट्स की डिज़ाइन है वो कुछ आपको ऐसे देखने मिलेगी, जो स्मॉग इफेक्ट के साथ आपको प्रोवाइड होती हैं। रेन सेंसिंग वाइपर। स्टार्ट करते हैं अपन ड्राइवर साइड डोर से। जो आउटसाइड व्यू मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों ऑप्शन आपको प्रोवाइड होते हैं इसमें। कुछ इस टाइप से पूरी एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसमें आपको मिलेगी। जो एक इसकी एक USP है वो है लेज़र वेल्डिंग, जो सिंगल फ्रेम बॉडी वेल्डिंग होती है वो इसमें आपको प्रोवाइड होती है। रियर में छोटा सा स्पॉइलर आपको प्रोवाइड होता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, डिफॉगर, एंड जो इसके टेल लैम्प्स हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स, सो पीछे आपको एक रिफ्लेक्टर और एक फॉग लैम्प का ऑप्शन भी प्रोवाइड होता है। पोलो की बैचिंग, वोल्सवैगन का लोगो। इसके एक सबसे बढ़िया बात मिली मेरे को, लोगो ओपनिंग बूट है इसमें। हाँ, ऐसे ही खोलो, खोलो, खोलो। 294 का मैसिव आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड इसकी एक USP ये भी काउंट होगी भाई, इसमें लोगो ओपनिंग बूट है। चलते हैं अपन ड्राइवर साइड डोर पे। एक ये भी चीज़ इसमें USB में काउंट होगी। जो ड्राइवर साइड डोर है वो 3 स्टेज ओपन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे फंक्शंस की। आपके सारे मिरर के कंट्रोल्स हैं, जो OVRMs हैं, जो कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं, उनके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बहुत बढ़िया से फिनिशिंग में आपको डोर अनलॉकर्स का ऑप्शन इसमें प्रोवाइड होता है। वहीं हम ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो बकेट फिनिश की स्टिच आपको अपहॉलेस्ट्री सीट मिलेगी। हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन इसमें आपको प्रोवाइड होता है। वहीं हम बात करें कुछ और अंदर चलते हैं, की को करते हैं अपन इंसर्ट पहले। तो सबसे पहले बात करें अपन सेंट्रल कंसोल की, तो इसमें आपको स्पीडोमीटर, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। सेंट्रल कंसोल से पहले भाई बात कर लेते हैं अपन इसके स्टेयरिंग व्हील की। लोअर में फ्लैट है, स्पोर्ट्स फिनिश इसमें मिलेगी, लेदर स्टिच लेदर है। इस साइड आपके MID के कंट्रोल्स हैं, जो कि आपका ये है। ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन हैचबैक में आ रहा है, प्रीमियम हैचबैक में। सेंट्रल MID है, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड सो ऑन, सारी EPS वगैरह, सारी वार्निंग लाइट्स इसमें आपकी मिल जाती हैं। वहीं बात करें अपन इसके इंटीरियर क्वालिटी की, तो एंटी स्क्रैच आपका इंटीरियर मिलता है इसमें। फ्रंट ग्लो बॉक्स जो मिलता है वो कूल्ड है, एंड काफ़ी डीप स्टोरेज आपको इसमें मिलती है। वहीं बात करें AC वेंट्स की, तो AC वेंट आपके क्रोम बेस्ड रहते हैं, जो क्रोम की लाइनिंग है काफ़ी बढ़िया फिनिश में है। टच स्क्रीन सेंटर में है, ऑक्स USB एंड जो भी SD कार्ड मैप्स सारा इसमें आपको प्रोवाइड होता है। क्लाइमेट कंट्रोल AC है, डिफॉगर्स का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, एडजस्टमेंट्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रंट में यहाँ पे आपको मिलते हैं कप होल्डर्स, एंड यहाँ पे भी आपको चिल हो जाता है,
ओके, तो आप इनको ऐसे करके कप होल्डर्स बना सकते हैं और मैसिव स्टोरेज भी बना सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर, यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज है छोटी मोटी, ये भी आपके आर्मरेस्ट में स्टोरेज मिलती है। आर्मरेस्ट आपका रीडायरेक्टेबल है, मीन्स आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको दो स्टेज में आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, थ्री स्टेज एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आपको इसमें मिलता है। वही हम बात करें पैसेंजर साइड सीट की, इसमें भी आपको बकेट फिनिश मिलेगी, साथ में स्टिचिंग फिनिश काफ़ी बढ़िया मिलती है। ऊपर बात करें तो आपको ऑटो डिमिंग आपका जो इनसाइड रिवर मिरर है वो आपको मिलता है। वहीं बात करें हम साइड में जो पैसेंजर साइड सनशेड है उसमें आपको वैनिटी का ऑप्शन मिलता है, वहीं ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये सब बात हो गई। यहाँ पे पियानो फिनिश आपको स्टेयरिंग मिलता है, ये एक नोटिसेबल चीज़ है। हेडलाइट्स के कंट्रोल सारे आपको यहाँ मिलेंगे, लेवलर यहाँ पे है, वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे एंड जो लाइटिंग एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको सारा सिस्टम यहाँ मिलेगा। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, आप देख पा रहे हो तो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन वहाँ था। फिर हम चलते हैं पीछे की ओर। फिर हम बात करें रिवर्स पैसेंजर्स की जो ड्राइव डोर है उसकी, तो आपको मिरर के कंट्रोल्स, लॉकर्स, ये ग्रैब हैंडल्स, सॉफ्ट टच यहाँ पे फिनिश मिलेगा आपको, स्पीकर्स हैं। एंड हम बात करें अंदर की, तो लेग रूम आपका काफ़ी डिसेंट मिलेगा, सीट थोड़ी अंदर की तरफ फोल्डेड है, इससे आपका लेग रूम बढ़िया बन जाता है। वहीं आप इस थोड़ा साइड में बात करें, एसी का वेंट आपको पीछे भी प्रोवाइड होता है एंड उसी के साथ आपका कप होल्डर भी मिलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ भी प्रोवाइड होता है आपको, ग्रैब हैंडल्स एंड डिसेंट है भाई, इवन जो उसके कंपेटिटर्स हैं उससे थोड़ी अच्छी है इसकी जो ऑल दैवन। हेडरूम थोड़ा बढ़िया है, सेंटर में कोई आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ये अपना सामान पड़ा है। एडजस्टेबल रियल हेडरेस्ट्स हैं। इस गाड़ी की एक और स्पेशलिटी, जो रियर सीट है वो थोड़ी रिक्लाइंड है, मींस अंडर थाई सपोर्ट इसमें आपको प्रोवाइड होता है। चलिए दिखा देते हैं आपको, जो ये सपोर्ट आप देख रहे हो ये अंडर थाई सपोर्ट के लिए है, देख सकते हैं आप रिक्लाइंड है कितनी अंदर की तरफ, इवन आप मेरे हेलमेट से जस्टिस कर सकते हो ये कितना रिक्लाइंड एंगल पे है ये अंडर थाई सपोर्ट। ओके, इसका मिल्स अगर आप लॉन्ग ड्राइव में या फिर लॉन्ग कोई ट्यूरिंग कर रहे हो आप, हाँ जनरली हैचबैक्स में आप लॉन्ग ट्यूरिंग करते हो हमें पता है, इसीलिए वोल्सवैगन ने ये आपको बना के दिए है कुछ ऐसे सीट्स एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। एक पूरा अंदर से व्यू, उसमें कोट हैंगर्स का ऑप्शन आपको साइड में मिल जाता है। फ्यूल फिलिंग आपको ड्राइवर साइड डोर में मिलती है, ड्राइवर साइड मिलती है। सो भाई फाइनली टाइम आ गया बात करने का जो फीचर्स वोल्सवैगन पोलो में स्टैंडर्ड आते हैं उन चीज़ की, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारे इसमें जो स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं, फ्रंट में दो एयरबैग, ये भी इसका स्टैंडर्ड फीचर है। वहीं हम बात करें जो पोलो कुछ एडवांस प्रोवाइड करती है वो, एक चीज़ ये नोटिसेबल है जो डिस्टेंस यहाँ से लेके और स्टेयरिंग तक की है वो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलती है पोलो के अंदर। एक लेज़र वेल्डिंग वाला आपको बता ही दिया था, चलो वापस बता देते हैं, जो पोलो की बॉडी आती है वो सिंगल वेल्डेड आती है, एजुकेंसी यहाँ पे कोई स्ट्रिप वगैरह नहीं है। वहीं हम बात करें इसके व्हील्स की, तो R16 के
डायमंड कट एलॉय व्हील्स इसमें प्रोवाइड होते हैं आपको, फुल एक एरोडायनामिक फिनिश में आपको पूरी गाड़ी मिलती है। एक और जो मेन यूएसपी वोल्सवैगन की कार्स की आती है, स्पेशली पोलो की आ रही है, वो है 6 ईयर एंटी रस्ट वारंटी। 6 ईयर में कोई रस्ट नहीं लगेगा किसी भी पार्ट के। एंड दूसरी चीज़ जो है कोट की वारंटी आती है, वो आती है 3 ईयर्स। ये 7 लेयर कोटेड पेंट है ताकि इसकी फिनिशिंग बढ़िया आए एंड गाड़ी रखने में भी मज़ा आए भाई। गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 ऑटोमेटिक के साथ एंड 1 लीटर आपका मैनुअल के साथ। ये अपन चला रहे थे अभी, 1 लीटर मैनुअल 3 सिलेंडर इंजन आता है। पावर फिगर्स अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे इसके सारे। वहीं एक और चीज़ इसमें जो फ्रंट है, ये गैप आ रहा है बीच में, ये है पुश बैक टेक्नोलॉजी जो वोल्सवैगन अपनी कार्स में यूज़ करती है ताकि अगर फ्रंट से इम्पैक्ट हो तो भी इंजन नीचे आके पीछे चला जाए, कैबिन में ना जाए। वहीं फ्रंट की बात करें तो आपको इसमें एक इम्पैक्ट बीम मिलता है फ्रंट में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है माइनर एक्सीडेंट्स में। जो और कार्स होती हैं उनमें पीछे तक इंजन और रेडिएटर तक डैमेज हो जाते हैं। वहीं बैटरी सेवर, आपकी ABS यूनिट, सारे सिस्टम्स।